नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिश्ते के बारे में जो कि सियासत से ऊपर उठकर आज हमें देखने को मिला है। बिहार में आशीर्वाद यात्रा को लेकर पटना पहुंचे चिराग पासवान का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। चिराग पासवान का आशीर्वाद यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ा, लोग जुड़ते गए। चिराग की आशीर्वाद यात्रा जैसे ही राजेंद्र नगर पहुंचे, यात्रा में एक नई जान मिल गई। देखिए कैसे चिराग पासवान अपने समर्थकों के साथ रैली में आगे बढ़ रहे हैं। चिराग पासवान की यात्रा जैसे ही राजेंद्र नगर पहुंची, वहां पर चिराग की बहन आशा पासवान अपने भाई के स्वागत के लिए फूल माला लेकर खड़ी थी। पिछले लंबे समय से दोनों के बीच में चली आ रही लड़ाई को खत्म करते हुए चिराग पासवान अपने बहन से गले मिले और भावुक हो गए। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि भाई बहन गले मिलकर अपने पुराने रिश्तों को तोड़ते हुए एक नए रिश्ते की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से देखिए चिराग पासवान कैसे आशा पासवान से गले मिलकर भावुक रहे हैं। ए भैया भैया जाइए ना साथ में, वहां जाइए ना। को बता दें कि चिराग पासवान और उनकी बहन आशा पासवान के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है। चिराग के बहनोई और राजद नेता अनिल कुमार साधु अक्सर चिराग पर जुबानी हमले किया करते हैं, लेकिन चिराग ने अचानक से बहन बहनोई के घर पहुंचकर सबको चौंका दिया है। सियासी गलियारों में अब यह भी कहा जा रहा है कि पासवान परिवार में लंबे समय से चली आ रही कड़वाहट अब मिठास में बदल गई है। ऐसे में अब देखना है कि चिराग पासवान और बहन आशा पासवान के साथ कितने दिनों तक यह रिश्ता बना रहता है। इस वीडियो के साथ आपको छोड़े चलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।